बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और मैं सीईओ एंड फाउंडर ऑफ वर्ल्ड वाइड कंसल्टेंट्स एलएलसी बेलारूस। मैं बेलारूस में हूँ पिछले 2 माह से तकरीबन, और यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी जितनी भी बड़ी मेजर यूनिवर्सिटीज़ थी टॉप रैंकिंग की, अल्हम्दुलिल्लाह इन सभी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ के साथ फ़ाइनल हो चुके हैं और कुछ के साथ जो है वो भी इन प्रोसेसिंग में है। अगर आप बेलारूस में स्टडी वीज़ा के ऊपर आना चाहते हैं किसी भी प्रोग्राम में, मैनेजमेंट है, सोशल साइंसेज, मेडिकल, लैंग्वेज, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कंपनी का दफ्तर जो है वो, उसका एड्रेस और तमाम पाकिस्तान के बड़े शहरों में हमारे ऑफिस मौजूद हैं उनके भी मेंशन है, और फ़ोन नंबर जो है वो मेरा नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। स्टडी के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे? आपका वैलिड पासपोर्ट, CNIC फ़ोटो, इसके अलावा FRC और बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपके किसी भी ब्लड रिलेटिव की चल सकती है, फादर, मदर, ब्रदर या सिस्टर, जिसमें कम से कम 10 लाख तक बैलेंस हो वो यूज़ेबल है। और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस के हवाले से, तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो वेरी करती है। कम से कम $2,500 से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम $6,500 तक जो है वो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस जाती है। अब ये देखना पड़ेगा कि आपकी प्रोफाइल के मुताबिक आप इस किस प्रोग्राम में जाते हैं। और दूसरी बात, आपने अगर वीज़ा अप्लाई करना है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे, अगर आप पाकिस्तान से हैं या आउट ऑफ कंट्री किसी भी कंट्री के से बिलोंग करते हैं। बेलारूस की जो एजुकेशन सिस्टम है, इसका पहला बेनिफिट ये है कि ये वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड है, और पाकिस्तान से ख़ास तौर पर मेडिकल की जो तालीम है इसकी सस्ती है, और बाकी भी यूरोपियन कंट्री से लोग यहाँ पे आते हैं और इसका लिटरेसी रेट जो है वो बहुत हाई है। इसके अलावा बेलारूस में स्टडी के लिए आपके जो रेजिडेंस एक्सपेंस है वो बहुत ही नॉमिनल है। स्टूडेंट को तकरीबन $60 $70 में रेजिडेंस मिल जाती है, और इतना ही तकरीबन उसका जो है वो फूड का एक्सपेंस आता है। तो फर्दर अगर आपको किसी भी को मालूमात की ज़रूरत है तो आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।